Thank you so much, Kanna. It's a pleasure to have you here with us. Everyone, can we have a huge round of applause again for Vishnu? Guys, can you please put your hands together and welcome both of them once again? Well, before commencing, I would like to thank both of you for taking out time. It's a pleasure to have you here with us. And seeing the very amazingly, massively exuberant response that Thalaivi is getting across the country and even beyond it. I mean, I would like to congratulate both of you for that. The whole country has had been waiting with a bated breath for the magnum opus that Thalaivi is. Guys, can we put our hands again together for such a magnum opus? Guys, can we have a huge one here? Thank you, everyone. Thank you. Sorry, my voice is a little down because of I've got a little cold. It's not COVID, I'm sure you have got the test done. But the hectic promotion got to me. But nevertheless, we are here now and really appreciate the turnout. Thank you so much. Well, thank you so much. And Vishnu, since you are the producer of the movie. Can you open the thing for questions now? Raju? चलो नीचे कर लो हेलो हेलो कन्ना राजेश फ्रॉम दिल्ली 99 मैम हम ये जानना चाहते हैं कि Thalaivi आपकी अभी तक की बेस्ट मूवी है और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप समय समय पर देश के मुद्दों पर आवाज उठाते रहते हो क्या Thalaivi में काम करने के बाद जैसे कि लोग भी समझते हैं कि आने वाले समय में आप पॉलिटिक्स जाएंगे क्या ये आपके उस कैरियर में नेशनल लीडर बनने में काफी हेल्प करेगी क्योंकि साउथ को आपने टच किया है सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने ज्यादा टर्न आउट पे आए शायद मल्टीप्लेक्सेस में ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है कृपया करके सिंगल स्क्रीन को सपोर्ट करें और मल्टीप्लेक्सेस पहले भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स को बुली करते आए हैं और अभी भी उनका रवैया वैसा ही है तो मैं चाहूंगी कि आप इस फिल्म को अपनी पूरी सपोर्ट दें और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे काफी बातचीत करती हूँ आई थिंक मैं देश के लिए बहुत ज्यादा मैं एक देशभक्त हूँ राष्ट्रवादी हूँ तो देश के लिए हमेशा बोलती हूँ तो अक्सर लोगों को लगता है कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बोलती हूँ शायद एक ही बात है लेकिन मेरे लिए एक नहीं है क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और वो इंसान जिसको लोगों ने आज इस मुकाम तक पहुँचाया है तो मैं लोगों के हक की देश के हक की बात करती हूँ और राजनीति मुझे करनी है या नहीं करनी है ये मेरा निर्णय नहीं होगा आप लोगों की इच्छा के बिना लोगों की सेवा के बिना एक पंचायत का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं तो राजनीति में अगर मुझे करनी है तो उसके लिए लोग मुझे चुनते हैं या चाहते हैं या मुझ में वो कैलिबर होगा मुझे नहीं पता अभी तो मुझे लगता है कि मैं एक अभिनेत्री के ही दौर में अच्छी हूँ और काफी खुश हूँ लेकिन कल को अगर लोग चाहेंगे और मुझ में वो देखेंगे और मुझे चुनेंगे तो डेफिनेटली आई वुड लव टू नमस्कार कंगना जी मैं नोनी जैन नमोकार चैनल से जैसे कि आपने एक लीडिंग लीडर का रोल प्ले किया है जयललिता मैम का जो कि 6 बार तमिलनाडु से प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं तो आपको क्या लगता है कि ये चीज मेल ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती है क्योंकि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं या कहीं ना कहीं मेल माइंडसेट को चेंज करेगी कि हाँ महिलाएं कहीं भी और आदमियों से कम नहीं है आगे ही है एक तरह देखिए Thalaivi में ये चीज बहुत अच्छे से
प्रदर्शित होती है कि जिनको सबने सोचा कि वो कभी राजनीति में नहीं आ सकती, क्या इस लायक नहीं है जो एक पूरे इतने वॉलेटाइल स्टेट को संभाल सके, वो एक नहीं दो नहीं तीन बार चीफ मिनिस्टर रहती हैं। और उसके साथ ही में ये चीज जो है कि औरत और पुरुष के बारे में कम और इससे ज्यादा एक स्त्री सशक्तिकरण के बारे में ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि पुरुषों को नीचा दिखाती ही एक स्त्री का सशक्तिकरण हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थलाइवी में जो उनके प्रेरणा के स्रोत बताए गए हैं श्री एम जी रामचंद्रन MGR, वो एक पुरुष होने के साथ ही बहुत ज्यादा उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनके गुरु भी हैं राजनीति में। तो ये एक बहुत ही संकीर्ण सोच हो जाती है कि अगर आप महिला हैं तो पुरुषों के नफरत ही करके आप आगे जा सकती हैं या उनको मजा ही चखा के आप आगे जा सकती हैं। कुछ होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, कुछ होते हैं जो आपको आगे आने में सफलता करते हैं। तो इसी को प्रदर्शित करती हुई फिल्म है थलाइवी। हाय कंगना, प्रियंका देसाई फ्रॉम एबीपी न्यूज। कंगना, आजकल तो बहुत सारी ऐसी फिल्म्स होती है जो नॉन पॉलिटिकल होती है बट इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आ जाती है। कंगना देसाई, हाय। एंड अभी क्योंकि जो फिल्म आपकी जो फिल्म है दैट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल उसके ऊपर बेस्ड है बट टचवुड कोई कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं हो रही है और आजकल तो नॉन पॉलिटिकल फिल्म आई थिंक हर फिल्मों पर कॉन्ट्रोवर्सीज होती है। So, हम इसे कंगना का मैजिक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पूरी बेस होने के बाद भी फिल्म पे लकीली कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। आई थिंक जो मेरे डायरेक्टर हैं, फिल्म के डायरेक्टर जो हैं श्री AL विजय, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और जिस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई है वो एक स्त्री की जर्नी ज्यादा है और पॉलिटिक्स के बारे में है लेकिन किसी को नीचा दिखा के उनको आगे नहीं दिखाया गया है और ना ही कोई किसी तरह की ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल की गई है कि जिसके करके मीडिया में एक बवाल मचे। और वो बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, उन्होंने अपने हिसाब से फिल्म बनाई है। फिल्म हर एक इंसान को बहुत अच्छी लग रही है और जो दूसरी पार्टी के भी हैं जो कि अभी रूलिंग गवर्नमेंट है तमिलनाडु में और हम जानते हैं कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स कितनी वॉलेटाइल है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि सबके साथ में किसी को नीचा दिखाकर किसी के सर पे पैरों के ऊपर जाने की कोशिश नहीं की गई है, जिसका क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर को देती हूँ। हाय कंगना, दिस इज प्रिया फ्रॉम शिवा पीपल। Very nice to see you for the first time. So I decided to ask, how would you say your perspective about Jayalalitha changed after you played her character on screen? देखिए, जब हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं तो हमारे दिमाग में जिस तरह की इमेज क्रिएट की गई होती है कि हाँ ये तो पॉलिटिशियंस हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। और आजकल की दुनिया में जितना भी PR होता है फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी, आप हमेशा इस चीज़ को ऐसे सोचते हैं कि हाँ बस ये लोग तो सत्ता में हैं और राज कर रहे हैं, राइट, इस तरह का हमारी भावनाएँ होती हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जैसे मैंने कहा कि पंचायत का चुनाव तक आप जीत नहीं सकते हैं लोगों की सेवा किए बिना या ग्राउंड लेवल पे काम किए बिना, रिजल्ट्स दिए बिना। तो उसी तरह से मेरी बहुत छोटी सोच थी, जैसे मैं जया माँ के कभी फोटोज देखती थी तो मुझे लगता था कि क्या सत्ता में ये लोग हैं, इनको क्या इनके मजे हैं। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना कॉम्पिटिशन होता है और जो एक राजनीति है ये शतरंज की चाल की तरह होती है। पल में जो आपके दोस्त होते हैं वो दुश्मन बनते हैं, दुश्मन एक कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन जो लोग बिठाते हैं, गुटबंदियाँ होती हैं, एक रातों रात आपके खिलाफ साजिशें होती हैं, यहाँ तक कि आपको जान से मार देने तक की भी साजिशें की जाती हैं। हम लोग ये सब समझ नहीं पाते हैं और मुझे लगता है हम लोग पॉलिटिशियंस के सक्सेस को लेकर उन पर काफ़ी हार्श होते हैं बिना इस बात को समझे कि हम किसी भी दूसरे फील्ड में कोई इंजीनियर बनता है उसकी सफलता को हम अच्छा समझते हैं, इनफैक्ट कोई कलाकार बनता है, एक्टर बनते हैं, लेकिन जब कोई इंसान पॉलिटिक्स में सक्सेस होता है तो हम लोग इससे हाँ क्या हुआ इनको तो राज करने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो इंसान अपनी जान पर खेल के छोटे से छोटे लेवल पर भी अपनी जान पर खेल के उन्होंने ये सफलता हासिल की है और बड़े लेवल पे तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो अब उनके लिए मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट एक हुई है फिल्म करने के बाद। जैसे कि आपने बोला कि उनकी लाइफ में एक मेल मेंटर थे, तो आपकी लाइफ में भी कोई
मैं कोई जयललिता तो होनी, मैं कोई चीफ मिनिस्टर तो होनी, तो जब अगर मैं कल को राजनीति में आती हूँ या मुझे कोई मेंटोर मिलते हैं, आई विल डेफिनेटली एक्नॉलेज, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं. हाय कंगना फ्रॉम डीसी मार्केट, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डीसी मार्केट. हर एक कैरेक्टर को निभाने के बाद कोई ना कोई उस कैरेक्टर को अपना होता है जो हर एक का अपने साथ ले जाता है. आपने जयललिता जी का कैरेक्टर निभा के कौन सा कुछ है जो अपने साथ लेके हमेशा नहीं आता कि अभी तक आपसे छूट नहीं पाए? उनके कैरेक्टर में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं, लेकिन एक दृढ़ निश्चय जो है उनमें, वो बहुत ही काबिल तारीफ है. जैसे कि हम सब जानते हैं, ये एक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, कि जब उनका अपमान किया गया था तो उन्होंने चैलेंज किया था कि अब मैं चीफ मिनिस्टर बन के ही सभा में वापस आऊँगी, और उन्होंने वो करके दिखाया. तो वो अपने दुश्मनों को जिस तरह से बोलते थे वो करके दिखाते थे, और उसके लिए वो किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए, या एक तरह से स्ट्रेटेजाइज करने के लिए पीछे नहीं हटती थी. तो आई थिंक ये उनकी एक बहुत अच्छी बात है जो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूंगी. कंगना, आपसे सवाल है कि जब आपको ये रोल ऑफर हुआ तो क्या था माइंड में, कि आप इसे जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं, या किस तरह से इसको लेके चलेंगे? मेरे लिए काफी एक, जैसे मैंने कहा, एक साउथ में बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल की गई महिला है वो, और वहाँ उनके मंदिर तक है और लोग उनकी पूजा करते हैं. और जब मेरी कास्टिंग अनाउंस हुई थी तो सबने कहा था कि बहुत गलत हो रहा है, कि साउथ इंडिया से साउथ इंडियन लड़की को ही मौका मिलना चाहिए. और कई लोगों ने इस बात की बहुत ज़्यादा आलोचना भी की थी कि कंगना जो है वो एक नॉर्थ इंडियन है, वो भी पहाड़ों से आती है, तो ऐसा क्यों. लेकिन आज वही लोग जिन्होंने मेरी आलोचना की थी, मेरी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, और वही लोग जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, वो ये इस बात को मान रहे हैं कि अम्मा का जो कैरेक्टर है वो कंगना से बेहतर कोई नहीं कर सकता था. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. लेकिन शुरू में जब इतना लोगों ने आलोचना की तो मुझे भी कहीं लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ. आपसे एक सवाल है कि पिक्चर हमने देखी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये रियलिटी के कितने आसपास है, या इसको कमर्शियल एंगल के लिए कितनी लिबर्टी ली है हमने? This film is based on a book, and that book is 100% real, so it's based on real events. 100% it's real. Kanna, here, I'm Zeba from Beyond. I wanted to ask, you know, after a few years, when you look back at this film and this role, do you think this will be like a highlight in your filmy career? Hope so, most definitely. In terms of an actor, it is a film which has given me tremendous scope to rise from where I already was. And if it is appreciated and if it is accepted the same way, then it will definitely be a turning point in my career. And yeah, another thing, since the film has been shot in several Indian languages and it's also being released in several Indian languages, is this the way forward to capture a pan-India audience for every filmmaker? Most definitely. I think we need to discourage American films and English films taking over our screens. And we need to behave like one nation and one purpose. And we need to stop dividing each other based on South India, North India, and you know, and we need to enjoy our films first. There are so many films, Malayali films, Tamil, Telugu, even now Punjabi industry is coming up. We need to encourage regional industries, and we need to develop our own infrastructure as far as the creative industry is concerned. Otherwise the day is not far. The way Hollywood has destroyed French film industry, Italian film industry, German film industry, and made a monopoly all across the globe. That's what they are doing here also. And the fact that we don't appreciate each other, and we rather see a dubbed Lion King, or a dubbed, you know, something, Jungle Book or something, but we will not give a dubbed film of Malayali a chance. So that will not work in our favor. We must keep our
people as our priority, our industry, and that is the only way to make an Atmanirbhar Bharat. हेलो कंगना जी, इधर इधर मैडम राजेश, राजेश जी भी जरूर So, I will combine your question also, ma'am, in that about weight loss and weight gain. So, because the journey was from 16-year JMA to 42 year, so I had to show all that in almost one and a half years that we shot in. I had to gain 20 kgs weight and lose in the same film. So, these were some of the obstacles that I had to face along with learning Bharatanatyam. These are parts and parcel of an actor's life, and this is my job, so you know, I choose to do it. But I also faced many health issues. My cholesterol was very high, and dancing with that kind of weight also gave me various issues like backache and knees ache and all that, so I wouldn't recommend it to anyone. Another thing that you said about you know, how do I relate to her struggles? As a woman working in men's world, of course, I feel that women are underestimated. And especially in the roles of leadership, wherever it comes to leading, women are not the most obvious choices. And Jayama also struggled with that. And when I tried to become a director, I also faced a lot of flack and a lot of bullying from all across. I was even banned by the media and the film industry. And what all dramas happen, we all know. So these are the things that I face also. I gave some kind of political opinion and my house was demolished. Even though later court, you know, they told them that it is a criminal act to do that. So I was vindicated. But at the same time, openly my voice was, they tried to crush my voice under their feet. And also now the same thing is happening with multiplexes. Now we see that multiplexes in Hindi, they are not releasing my film, but they have different rules for big heroes, you know, like we have seen in the past. They have been very much okay in releasing big hero and big studio film. Well, I think this kind of gangism, groupism happens all the time, but the kind of response that we are getting and the film is coming in single screens. I am sure that people will support the film and support the single screens because these big bullying multiplexes have been bullying and producers even before pandemic. And I think we should put our faith and our focus on single screens. Hi Gupta, Ditya from ANI. First of all, many, many congratulations for the film. And you're playing a very strong personality yet again for the screen. So my question to you is, what was the toughest part of playing Jayalalitha and how has her political journey influenced your perception for politics? I just answered that you know, for me earlier politics seemed like something that these people just get lucky, like a very primitive approach when you see their pictures in the media, you know. And massive smear campaigns around almost every politician. There is no politician who doesn't have a controversy. The popular ones, they all have. Even Jayama has a lot of controversies to her credit. And if you, like, in her own words, if you go by the controversy, they make her appear like the most hated woman in the world. Then how come people keep choosing her over and over and over again? So this, of course, there is this perception which I also had that, you know, these people are just so lucky and just ruling everyone and all that. But when I did my research and understood the dynamics of politics, it is not an easy profession and easy field. You've got to, you've got to work on ground level, and also you have to be popular with people. There is an X factor as a politician that you need.
And also, of course, the results, we've got to give results, we've got to get votes and popular, you know, this thing that you've got to be popular. And you've got to prove and show results in terms of what you brought about, the difference, and it has to reflect in the data. And with JAMA, people were so happy. And most people, IAS officers and bureaucrats who worked under her, they remember her as one of the most intelligent and remarkable women. You know, when you as somebody who's not been able to go to school or complete her studies, and you handling hundreds of IAS bureaucrats and officers, it's not going to be easy, right? If you're not going to take charge, they will take you for a ride. So we don't understand this side of her, that how smart she was and how she was at it, always learning, always, you know, being a student and always, and then ruling a volatile state. You've got to have so many strengths to your personality, and we don't give enough credit to our politicians, especially the ones who rise from really scratch to build themselves into mammoth icons like Mr. NGR, Ramchandran, or Dr. J. Jayalalitha, and many others for that matter. Your parents have watched the film yesterday. What was their reaction? They were very happy, because this is a film that most people will resonate with. You know, it talks about politics and what they see in the news all the time. They absolutely loved it, and they said it is their most favorite film ever. And they said that I must get 5th National Award for this. Kangna, main Rahul Jain Namaskar channel se. Mera aapse ek sawal hai ki aapka character bahut hi acha laga. Ki hame lagi nahi raha ki Kangna ne ye character play kiya hai. Aur bilkul jai maa lag rahi hai dekhne mein. Aur maine ek interview mein padha tha, unka bahut hi purana interview hai. Unhone kaha tha ki jab downfall aaya unki life mein, to unhone जैनिज्म को बहुत फॉलो किया, जैन धर्म को, और जैन मुनियों के मार्गदर्शन से उन्हें काफी हेल्प हुई. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अपनी लाइफ में कभी जैन धर्म को फॉलो किया है, और क्या आपने कभी जैन मुनि या जैन मंदिर के दर्शन किए आपने? जी डेफिनेटली, मैं मुझे जहाँ आशीर्वाद मिलता है मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ. और मैंने जैन मुनि मेरे गुरु है, उनके मैं अक्सर दर्शन करती हूँ. वो दिल्ली जब आते हैं, वो पद यात्रा पे होते हैं, तो मैं उनको दिल्ली भी मिलने आती हूँ. तो मुनि जय कुमार जी उनका नाम है, और वो ज्यादातर तपस्या और साधना में ही रहते हैं. तो डेफिनेटली मुझे हर कल्चर में, हर रिलीजन में, हर प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा विश्वास है. और हमारा जो देश है उसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है. तो मैं भी जैन मुनियों को बहुत फॉलो करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर थलाइवी. थैंक यू. एंड मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि थलाइवी आपकी फिल्म करियर की बेस्ट फिल्म है. तो हमने आपकी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर हिट्स भी देखी है, जैसे कि क्वीन, तनु वेड्स, मनु, फैशन. तो थलाइवी सबसे अलग कैसे है? आप बेस्ट किस तौर पर बता रहे हैं? देखिए, हर फिल्म वैसे तो अलग होती है, उनके जॉनर्स अलग होते हैं, और किसी फिल्म को कंपेयर नहीं किया जा सकता. लेकिन फिर भी एक एंटरटेनमेंट क्वोशेंट जिसको कहते हैं, और एक एक जो आप कोई मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और उसको सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी वो एक महज एंटरटेनमेंट आप यूज कर सकते हैं. लेकिन इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो वाकई में वास्तविकता में हुआ है, तो उससे कुछ सीखने को भी मिलता है कि देखो जिंदगी कैसी होती है, या हमारी जिंदगी को लेकर कितनी लिमिटेड अप्रोच होती है. और जिस तरह से मैंने थलाइवी से जो सीखा कि चाहे वो डॉक्टर जे जे ललिता हो, या मिस्टर एम जे रामचंद्रन हो, या श्री करुणानिधि जी हो, ये तीनों के क्या डायनामिक्स थे, और फिर आगे चल के तीनों में ही कैसे सत्ता एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद में घूमती रही. तो एक बहुत ही दिमाग को एक बहुत ही ज़्यादा एक वो मटीरियल मिलता है सोचने के लिए, विचारने के लिए. तो उस करके मुझे लगता है कि आज तक की सबसे बेहतरीन जो है ये मेरी फिल्म है. लेकिन जैसे मैंने कहा, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ और भी अच्छा लग सकता है.
मुझे लगता है कि ये आज तक की सबसे बेहतरीन फिल्म बनेगी सर। ये थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सर ये आपने फिल्म प्रोड्यूस की है तो कंगना ने जो भी रोल निभाया सिनेमा में पिक्चर है तो कंगना के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या आप सेटिस्फाई हैं कंगना से, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कंगना ने दिया और इसकी जो आगे की जो जर्नी है फिल्म की कितना अभी आपको बिजनेस की पक्षों की सभी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं पहले कंगना के लिए। See, everyone knows that Kangana is the best actress in the country. There's no doubt about it. But as far as the producer's support is concerned, over the last couple of weeks, what we were going through as a producers, only she knows, and she stood by us. She said, sir, ye aapka film hai. You decide what you want to do with the film, and I'll just stand by you. That's what she said, and she stood by us unconditionally. No artist would allow a film to release like this without multiplexes. And because at this point of time, we don't believe that box office numbers are a true judgment for the success of film. You saw the film, you loved the film, you made a great film. That's half successful. And second point is, she said, sir, you invested in the film, you need to recover your investment as producers. Do whatever it takes to recover investment and be safe. No actor will ever say that. She's the only star who could say that. दोनों को ही बेस्ट विशेस हमारी जितनी भी मीडिया कम्युनिटी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक्स लोग अपनी आवाज ऐसे ही उठाते रहे।